साक्षी वीवी न्यूज की तरफ से आप देख सकते हैं कि शमीम अहमद के समर्थन में इतने सारे लोग जो खड़े हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, जानबूझ के उन्हें सियासी गेम में फंसा के उन्हें परेशान किया जा रहा है। और हमारे एमएलए भी खुद यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं सर से बात करने का कोशिश करता हूँ। बिना कारण उसको अरेस्ट किया, वो शांति शांति यहाँ में पीस मेंटेन किया था, फिर भी उनको इंटेंशनली मोटिवेटेडली उनको अरेस्ट किया। इलेक्शन को अटकाने के लिए इलेक्शन जैसे ना कर पाए, इसीलिए वो ऐसा किया। ये नहीं चलेगा, हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे इधर से। तो सर मतलब कब तक उनको, मतलब कब तक रिलीज होने का क्या चांस है, एनआईए का क्या कहना है? जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है, जितना जितना जल्दी हो सके हम उसको छुड़ाएं। सीबीबी में से बात करने के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ रहेंगे। हम जब तक हमारे साथ चलेगा, हम हर भाई बहन के साथ हम रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, हमारे मैं कल दिया था कोर्ट में, कल जो चीफ जज उन्होंने छुट्टी बिता, इसीलिए कल कोर्ट केस नहीं हुआ। और मैं सबके साथ बात भी किया, हमारे जब तक बड़े भाई शमीम अहमद हमारे प्रेसिडेंट इस वार में ये जेल से छुड़ाया नहीं जाएगा, तब तक शमीम अहमद एज ए लीडर काम करेगा आप सबके लिए, आप सबके साथ, आपका सुख दुख आपके साथ सुख दुख बांटेगा। और हर 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 समय हम शमीम अहमद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ वार्ड में काम करेंगे, यह हमारा वादा है, हमारा बात है। और मैं ये बात कहूंगा आप सबको, आप धीरज रखिए, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है हमारा कितना लीडर जेल में है, कितना लीडर संघर्ष कर रहा है। हर लोग कभी सीबीआई का भी नहीं, कभी इनकम टैक्स हमारे लीडर के घर में भेज देता ये होगा, लेकिन हमें टूटना नहीं होगा, हमें लड़ाई करना होगा, हमें वो जब कोशिश करेगा हमें तोड़ने पाएगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं संभव होगा। हम थे है और रहेंगे आपके लिए काम करेंगे। तो आप धीरज रखिए, मैं हर मीटिंग में एक ही बात कहा, अभी इलेक्शन का माहौल है, पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, हमें सबसे लिए काम करना, हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन आप लोगों को सब एक साथ फाइट करना होगा, और हम हर हाल में हमारे बड़े भाई के साथ हैं, बड़े भाई के साथ रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज। उनका प्लानिंग आगे करना है और दंगा करना है, और इस कौम में इस सरकार को नीचे गिराने के लिए उन्होंने अपनी जात को दिखाया और रोड पे हंगामा करके। आपने देखा होगा कि गाड़ी जो भी चला है किसी हिंदू का नहीं चला था, मुसलमान का गाड़ी चला था, जिसने 786 अल्लाह बिस्मिल्लाह लिखा था। हमारे मंत्री रुक रहे, हमारे साथ खड़े थे, उस शाम को बात हुई, मैंने मना किया, दादा यहाँ पे बहुत हंगामा है, आप मत आइए। सैमुअल मित्रा से हमारे साथ थे, दादा से भी बात हुआ, लेकिन दादा उस भीड़ में भी आए, उनके गाड़ी में भी वार हुआ था,
उस पर भी पथरा हुआ, फिर भी दादा हमारे साथ आके खड़े हैं। और आज की खराब घटनाई घड़ी में जब एनआईए हर मुसलमान के पीछे लगे तो रुद्दा हमारे साथ खड़ा है। इसलिए हम हिम्मत को मानते हैं कि ऐसे लीडर अगर हमारे साथ है तो हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं डरेंगे, फिर हम परस्पर से लड़ते रहेंगे। मेरे साथी, मैं एक बात बता दूं, जब एनआईए यहां पे लागू हुआ था, जिस तरह से मुसलमानों को, जिस तरह से मजलूमों को, जिस तरह से हमारे दिल्ली के मां बहनों को बुलाया जा रहा था, धमकाया जा रहा है, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। मुझे भी धमकाया गया, मुझे भी 25 जनवरी को मेरे पास कॉल आया कि तुम्हें एनआईए ऑफिस में आना है। मैं बोला मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपसे बात करने के लिए। 26 जनवरी को मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा प्रोग्राम करके 27 जनवरी को आपके दफ्तर में मैं हाजिरी दूंगा। मैं गया 27 जनवरी को, हाजिरी दिया, मेरे साथ भी टॉर्चर हुआ, मुझे भी परेशान किया गया, मगर मैं नहीं डरा क्योंकि मेरे साथ अरूप राय है, ममता बनर्जी है। मैं नहीं डरूंगा, जो सच्चाई है मैं बोल के आया, मुझे जितना धमकाओ जितना चमकाओ मैं चमकने वाला नहीं हूँ। सच के साथ हूँ, सच के साथ रहूंगा, सच कहूंगा, सच कहकर मर मिटूंगा। समीम भाई बोले के लिए भी उन्होंने बहुत सारी जाल बिछाई, बहुत सारी झूठे सच्चे गवाह बनाने की कोशिश की, लोगों को खरीदने का कोशिश किया, नौकरी सरकारी नौकरी देने का ऑफिस किया, पैसा का लालच किया, लेकिन कोई मुसलमान भाई बिकने के लिए तैयार नहीं था एनआईए के लिए। वो जानता है कि हम कौम के लिए है, हम रोजेदार है, रोजे रखकर सच कहते, झूठ कहने की औकात हमारे अंदर नहीं है। लेकिन उन फिरका परस्तों ने अपने ताकत का नुमाइंदा करते हुए धोखे से हमारे भाई बड़े को बुलाया और उन्हें अरेस्ट करके रख लिया। अगर हिम्मत होता तो आके यहां से ले आते ना, ताकत नहीं थी इस जेएनपी से लड़ने की, सामना करने की ताकत नहीं है उन फिरका परस्तों में। उन्होंने झूठ बोल के धोखे से बुलाया था, हुसैन को भी धोखे से बुलाया गया था कर्बला के मैदान पे। याद रखिएगा, प्यासे है, गला सूखता है, पर गला कटने के लिए तैयार होता है, झुकने के लिए तैयार नहीं होता। हम बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जवाब देने के लिए बंदूक तलवार गोली नहीं निकालना मेरे मां बहनों, याद रखिएगा। छोटी सी बात आपके जहन में डालना चाहता हूं, ना बंदूक निकालिएगा तलवार निकालिएगा। शाहरुख खान का पिक्चर आया था ना जवान, एक उंगली 20 तारीख को बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के बटन में दबा के उसे हरा के ये उंगली जवाब देगा। ये उंगली शहादत की उंगली है, और ये शहादत की उंगली जवाब देगी कि किस तरह से बीजेपी को हम मिटा सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को ये उंगली से बटन दबाना है। अल्लाह के पास इंसाफ जरूर होता है, जुल्म जितनी जुल्म के खिलाफ में जितने देर से आपको पिएगा उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए अरूप राय के नेतृत्व में हम सब इस बात की गवाही देते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग अरूप राय के साथ में है, ममता बनर्जी के साथ में। आज ये लोग राम के नाम पर अगले साल रमजान के महीने में ही रमजान के महीने में जिस तरह की साजिश करके पूरे मुस्लिम बस्ती को जलाने का प्रोग्राम बनाया है, सीपुर चौड़ा से शुरू करके पीएम बस्ती को जलाने का काम साजिश किए थे सभी अधिकारी, उस जमीन पर सभी मामा करे शराब खाना नहीं खुलवा रहा है, सभी मामा करे कोई जुआ खाना नहीं खुलवा रहा है, सभी मामा करे कोई मॉल नहीं खुलवा रहा है, बल्कि सभी मामा करे अरूप राय के साथ में मिल करके लड़कियों के लिए तालीम निस्वा के लिए औरतों के लिए लड़कियों के लिए एक आलीशान स्कूल बना रहा है। यही बात तो मोदी जी को खलक रहा है। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि ये कौम आगे बढ़े, मुसलमान आगे बढ़े। आज उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पैसे में आगे है, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सियासत में आगे है, मुसलमान में उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो तालीम में सबसे आगे है। और समीम अहमद बड़े सामाजिक खिदमत में आगे बढ़े थे, इसलिए उनका कद छोटा करने के लिए, अरे जिसका नाम ही बड़े है शुभेंदु अधिकारी जी, आपके नाम ले लेने से समीम अहमद बड़े का बड़प्पन कम नहीं होगा,
अरे कितने दिन जेल में रखोगे, फिर पलट के सेल आएगा आएगा।